हेलो व्हाट्स अप गाइस, सब यू लोग कैसे सब लोग, वेलकम टू द न्यू गेम प्ले सीरीज। आज हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं फार क्राई प्राइमल, जो कि काफी तगड़ा गेम है एंड ओल्ड है, बट ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है एंड एक्शन एंड एडवेंचर्स गेम होने वाला है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का गेम प्ले वीडियो एंड आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। शुरुआत ही कुछ काफी डेंजर नहीं है भाई? पास में एक हाथी जा रहा है। नहीं नहीं इसे हाथी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं शायद मैमथ। ओके इसको मैमथ कहते हैं। ये हाथी का थोड़ा मतलब हाथी जैसे होता है बट ये मैमथ होता है। एक स्टोरी एंड एडवेंचरस गेम होने वाला है, सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं गेम प्ले वीडियो को, देखते हैं क्या है आगे। ओके ये लोग शायद बच के निकलना चाहते हैं यहाँ से, लगता तो नहीं है ऐसा। ओ अच्छा, आपने जो कैरेक्टर है उसका नाम टकर होने वाला है। ओ शायद ये टकर का फ्रेंड है या फिर दोस्त है या फिर ब्रदर है, पता नहीं। वैसे होता सब कुछ एक ही चीज है। ओके कुछ टिप्स हमें दी जा रही है, हेल्थ जो कि हमें बूस्ट करनी है। ओके सर्वाइव के लिए हेल्थ जरूरी होती है, जो कि लो हो रखी है हमारी। ओ अच्छा मीट आफ्टर कंप्लीट मिशन और अटैक ऑन, ठीक है। मैमथ, हमें इन मैमथ में से एक का शिकार करना है और फिर उसे मीट लेना है, ऐसा कुछ है जिससे हमारी हेल्थ अपग्रेड हो सके, समझ रहे हो? ओके ये बोल रहा है कि साइड में किसी छोटे को अगर छोटा शिकार हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा शिकार करना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए। अगर हमने शिकार नहीं किया तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ ये बोल रहा है टकर का जो फ्रेंड है वो। ओके इनको छोटा दिख चुका है एक मैमथ सामने की तरफ, ये इनका शिकार शायद करने वाले हैं ऐसा कुछ। ओ इसको पता चल गया। अरे यहाँ पे आग कैसे लग गई? अरे हमें भी लग गया भाई, रुक जा। हमारे पास भाई भाला ही नहीं है, एक ही तो था, किधर गया? ओके यहाँ पे है गिरा हुआ जिसको हम लोग उठा लेते हैं। ओके यहाँ पे और भी रखे हुए हैं, दो दो और है। अच्छा इन लोगों ने मतलब शिकार के लिए पूरा वो बना के रखा था कि यहाँ पे कोई जब जाएगा तो यहीं पर मारेगा ऐसा कुछ करके। ओके एक और मारते हैं यहाँ से उठा के, चल बैठे। एक और गिरा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये तो गया बैठी, अब ख़त्म है यहाँ से, आगे बढ़ते हैं चलो फटाक से। ओके यहाँ पे है ना 6-7 रखे हुए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया वरना यहीं पर मार देते भाई इसको। भाग गया वो, पकड़ना पड़ेगा भाई, पीछे भागो। ये आ रहा है, ये रहा। ओ बेटे आगे कहाँ जाएगा, आगे तो खड्डा है। ओके मरने वाला है। गया खत्म, बेटे की गया, ये तो गया खत्म। हाँ ये फाइनली खाने को मिलेगा। ओके अच्छा मतलब इसकी आत्मा को शांति मिले, फ्री हो जाए ऐसा कुछ बोल रहा है। ओ बेटे ये क्या है। ओ भाई उसको खा गया, ले कर ले बात, इसको मार साले को, मार घुसेड़ दे कान के अंदर, है ना उसे। अबे ये तो मार मूर के खा जाएगा भाई। ओ भाई उसने काफी तगड़ा छोड़ दिया है, इसका शिकार कर पाएंगे क्या हम लोग? ओ बेटे ये कूदने के लिए बोल रहा है, इसने सबको मार दिया भाई, खत्म भाई। ओ बेटे भाग गए हम लोग, नीचे कूद गए, वो ऊपर ही रह गया शायद से भाई। गिरे बहुत गंदा है, बहुत गंदा गिरे हैं भाई, और अभी तक गिरे ही जा रहे हैं भाई। ओ बेटे पत्थर की लगी, ओ भैंस की टांग भाई,
बहुत गंदा गिरे, कसम से बहुत ज्यादा गंदा गिरे भाई। इंट्रो था बहुत ही ज्यादा डेंजर वाला था कसम से। फार क्राई प्राइमल, क्या बात है, डेंजर इंट्रो भाई, डेंजर एक नंबर इंट्रो बोलते भाई इसको। ओके टकर यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा है, काफी ऊपर से नीचे गिरे हैं लोग। ओ ये तो गया भाई, इसको तो उसने ऊपर ही शायद मार दिया था। ये बोल रहा था कि तुम यहाँ पे रुकना नहीं और जाओ और अपने उरुस की जमीन पे जाओ। ओ अच्छा, इनका मतलब इनका खुद का जो जगह है उसको उरुस का जमीन कहते हैं शायद, उसके लिए लोग जा रहे हैं। और जो लॉस्ट जो इनके भाई मतलब जो इनके कबीले के लोग हैं जो कि गुम चुके हैं, उनको एक जगह करना, ऐसा कुछ बोल रहा था। ओ भैंस की टांग, वो अभी तक तो यहीं पे घूम रहा है। ओके टकर को एक वेपन की नीड है, जो कि मतलब एक वेपन चाहिए होगा, पाथ ऑफ उरुस। ओके हम लोग यहाँ से उरुस की ज़मीन के लिए निकलने वाले हैं, बट रास्ते में टकर को वेपन्स भी चाहिए होंगे क्योंकि एक खतरा नहीं बहुत सारा आने वाला है। और अभी तो गेम की शुरुआत है यार, ये गेम मैंने मतलब इसका जो ट्रेलर था ना वो देखा था भाई। वैसे तो ये बहुत पहले आ चुका है बट मैंने गेम प्ले वीडियोज़ नहीं देखे, क्योंकि गेम प्ले वीडियोज़ देखने से फिर है ना गेम का मज़ा ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो। मैंने ओनली फॉर इसका ऑफिशियल ट्रेलर ही जो कि इसके यूट्यूब चैनल पर था वो देखा था। एंड अभी हम लोग खेलने वाले हैं। ओके वेपन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करनी होगी, जो कि कुछ ये है एंड लकड़ियाँ और ये पता नहीं क्या है, कुछ तो है। मैप भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, वाह क्या बात है यार, मैप देख के तो लग रहा है। ओ भाई वेपन्स भी इसमें बहुत सारे मिलेंगे आगे जाके, मतलब भाई पुराने टाइम का गेम लग रहा है लेकिन मतलब है तकड़ा भाई कुल मिला के। अभी तो हमारा एक तरीके से इंट्रो ही चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए क्वालिटी वगैरह इतना अच्छा नहीं है। ये पत्थर नहीं ले सकते क्या? ओके अभी आई थिंक हमें एक आध लकड़ी और कुछ जो थी लीव्स है उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके बाद में शायद हम वेपन बना पाएंगे। आई डोंट नो वेपन अभी तक हिंट नहीं दिया इन्होंने कौन सा वेपन होने वाला है, बट जो भी होगा मेरे ख्याल से पुराने टाइम का होगा ना, मज़ेदार होगा। और इसमें भी स्लाइड होता है क्या? स्लाइड हो रहा है भाई, मतलब गेम काफ़ी तगड़ा होने वाला है, कुछ भी बोलो पुराने टाइम का है लेकिन ग्राफिक्स अभी भी अच्छे हैं। आई नो आपको अभी ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे बट अभी गेम शुरू ही कहाँ हुआ है। अरे यार लकड़ियाँ कहाँ पे है? ओ अच्छा हम वी से यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ऐसा कुछ हमें जो लो लूटना है या फिर जिसका हमें शिकार करना है। ये देखो कितना आसान है ना भाई, विजन जो कि हम लोग ऑन कर सकते हैं, इसको वैसे विजन बोला जाता है। ओके अभी हमें दो पत्थर इकट्ठा करने हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं या फिर पत्थर जैसा ही होता है कुछ। अभी ये किधर मिलेगा भाई? चारों तरफ घूम के देखना पड़ेगा क्या? चलो लकड़ियां भी साथ ही साथ। अबे ये क्या है भाई, पैरों में फंसने लगी, बताओ भाई। ये घाटी जैसा है जिसके चारों तरफ भाई घिरा हुआ है ये जंगल से मस्त। उधर जाने का ऑप्शन है नहीं, इधर जाने के लिए दिख रहा है बट पता नहीं इधर जाना है कि नहीं जाना। हम लोग पहले अपना काम कंप्लीट करते, वेपन बनाते, पता नहीं आगे कौन मिलेगा भाई। इसमें वैसे दो तरीके के एनिमीज होने वाले हैं, इजीला वॉरियर्स एंड एक और होने वाला है जिसका नाम है, मेरे को इतना याद नहीं रहा, इजीला वॉरियर्स एंड एक और होने वाला है कुछ एनिमीज होने वाले हैं जिन्होंने वेंजा के लोगों को मारा एंड उनका जो कि जमीन वमीन है वहाँ पे कब्जा कर लिया और ये लोगों को भगा दे रहे वहाँ से, ऐसा कुछ है। और मैंने इसके ट्रेलर में वैसे मैं आपको बताना ही नहीं चाहता, स्पॉइल नहीं करना चाहता आपका जो इंटरेस्ट है वो, बट इसमें हम लोग शायद से कुछ जानवरों की सवारी वारी भी करने वाले हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। भाई एक पत्थर नहीं मिल रहा, मतलब कहाँ मिलेगा? ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया।
वो भी ठीक ही। अच्छा, आई से हमें क्राफ्ट करना है, ठीक है। ओ पहले हमें बो बनानी पड़ेगी, ठीक है। वेपन्स देखो भाई, तुम लोग एक बार वेपन्स देखो, मतलब लाजवाब भाई। मतलब गेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होने वाला है एंड मज़ेदार भी होने वाला है। इसकी जो स्टोरी है वो भी एपिक है मेरे को जहाँ तक लगता है। ओके, बो बन चुकी है हमारी, बेहतरीन, लाजवाब। वैसे देखा जाए तो वो एक पुराने टाइम का वेपन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अभी भी जो नए नए जो गेम्स आ रहे हैं उनके अंदर भी भाई गन है, बट वो भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी है। अच्छा ओके, इनको कुछ फूड चाहिए जिससे इनका शिकार करना है हमें, ठीक है। ये तो भाग गए भाई, भाई उसके टाइगर की भाई साउंड आ रहा है इधर। वैसे आप जी, आप सब लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया आई डोंट नो, बट मैंने नोटिस किया है ये लोगों को, पता है लैंग्वेज अलग है बट इंग्लिश में सबटाइटल दिया हुआ है, मैं तो समझ में आ जा रहा है। ये लोग क्या बोले, टाइगर को टिगरी टिगरी बोलते हैं ऐसा कुछ करके। मेरे को अभी तक तो इनका मतलब ओरिजिनल जो साउंड वर्ड है वो एक ही समझ में आया, टिगरी वाला। भाई कहीं तो मिल जाओ, इतनी देर तो पैरों में घूम रहे थे तुम लोग। हाँ हमें शिकार करना है बट कहाँ से भाई, दिख ही ना रहा कोई। चलो ये भी तोड़ ही लेते हैं साथ में, लकड़ी भी। वेपन बना लिया है, हेल्थ पूरी करने के लिए शिकार करना पड़ेगा, बट एक शिकार नहीं दिख रहा भाई। ऐसा क्यों ब्रो, ऐसा क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है पानी। और अरे इधर है, इधर है, इधर है, रुको रुको रुको, होल्ड ऑन। भाग गया भाई, नहीं, भाग मत, भाग मत, भाग मत, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, भाग गए भाई, फिर से भाग गए यार। मैं अपना बो वेस्ट कर रहा हूँ भाई, एरो मतलब, सॉरी। इधर से गिरा ना भाई, जितनी हड्डियाँ बची नहीं है उससे ज़्यादा टूट जाएगी। ओके, एरो हम लोग बना सकते हैं शायद से ऐसे। हाँ मैं सही था, इसमें लिखा हुआ था ना क्राफ्ट व्राफ्ट कुछ करके। ओके, इधर सामने गई है वो लोग, वो मतलब वुल्फ जो भी है भाग के। बोरे बोरे बोरे, एक 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 का शिकार चाहिए, सिर्फ सिर्फ एक। पट्टा से हेडशॉट मारा भाई, लियो भाई भाग गई, लियो भाई। ये क्या बकवास है भाई, भाई मारा तो है। भाई ये तो भाई अलग ही सीन है इस गेम का। ओ रुको 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 रुको, इधर 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 है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस बस बैठे बस। ओ भाई फाइनली हम लोगों ने शिकार कर ही लिया, कोई और नहीं दिख रहा है क्या, उसको भी लपेट लेते हैं साथ में। नहीं है और कोई नहीं है, इसको लूटते हैं फटाक से। ओके, हमें तीन करना है जिसमें से एक हम लोग कर चुके। ये तो मुश्किल होने वाला है भाई, यहाँ पे वैसे भी ज्यादा हैं बट वो झुंड में भाग रही है, पता है। ओके, मीट खाने से हमारी हेल्थ बढ़ रही है जो कि थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। यार मतलब थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं ना, कुछ कर भी नहीं सकते अपन लोग यार, बताओ। ओके, थोड़ी और लकड़ियाँ हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, आगे गेम में काम में आएगी ना, टेंशन काहे लेना है भाई। ओके, अब इधर हमें मिलने वाली है शायद से वो, जहाँ तक मेरे को लगता है। अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा वरना फिर उनको फुट आ जाता है ना कि भाई कोई आ रहा है, तो डर के मारे वैसे ही भाग जाती है। इधर तो नहीं है यार, कहीं से साउंड आ रहा है। ओके, सामने है, ठीक है, इजी 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 थी। भाग जा रही है भाई, वो मेरे आने से पहले ही भाग जा रही है, बताओ क्या करूं।
वो देखो भाई भाग गई। ओके इधर इधर है कहीं पर, बट मेरे को पास में शायद से जाना पड़ेगा। ओके इधर सामने एक, उसको मारते हैं। रुको रुको रुको, लगा 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 बैठे लगा। मर जा मर जा, मर गया भाई, मर गया मर गया मर गया। रुको रुको, इसको भी मार देते हैं। तुक्का मार रहा हूँ भाई, लग गया। नहीं लगा भाई, एक और शिकार हमें इसके बाद करना होगा। हमने दो शिकार कर लिए भाई, समझ रहे हैं? एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है गेम का। ओके 3 मीट के अभी भी पीसेस हमारे पास है। ओके वो राइट में आ रही है, मैंने देख लिया उसको। भाई फिर भाग गई वो, फिर भाग गई भाई। अरे रुको रुको रुको, यहीं पे यहीं पे यहीं पे, ये लगा पट से बैठे, उसको लगा है ना तो वो मरेगा जरूर, थोड़ी देर आगे जाके मर जाएगा। नहीं मरा, इसको मारते रुको। ये गया, ये मरेगा, ये जाएगा। ओके इसको लगी है, लगी है, इसका ब्लड गिर रहा है। इधर ही किधर गया होगा, मैं आगे भाग के मर गया। चलो भाई फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, फाइनली। हमें थोड़ी सी और एरो है जो कि क्राफ्ट कर लेनी है। ओ भाई टाइगर का साउंड आ रहा है फिर से। अबे जन्मे जन्मों का भूखा है क्या ये? क्या बकवास है भाई, जाने का नाम ही ना ले रहा, यहीं पे घूम रहा है चारों तरफ भाई। हम बोनफायर शायद जलाने वाले हैं। नहीं शायद नहीं, हम लोग बोनफायर ही जलाने वाले हैं। नहीं जला भाई, टक्कर बोल रहा है साला, ये भी नहीं जल रहा है मेरे से। टक्कर बेइज्जती हो जाएगी यार तेरी, ऐसा मत कर। ओके फाइनली जला लिया भाई टक्कर ने, ऐसी भी कोई बात नहीं यार, बेइज्जती वाली बात तो है ही नहीं। टक्कर बोल रहा है, हम किससे कम है भाई। फाइनली गाइस, एक काफ़ी देर के बाद हमने शिकार किया और बॉनफायर हमने जला लिया। मेरे ख्याल से गेम काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाला है। आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है? ओके अभी हमें आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। क्राफ्ट एक क्लूब, ओके हमें नया वेपन मिल चुका है एक बार फिर से, क्या बात है बेहतरीन। बट मेरी सारी वुड है जो कि खत्म हो चुकी है, इसके बाद हम एरो नहीं बना पाएंगे। ओके इसमें पत्थर फंसा लिया भाई, वेपन बन गया, पुराने टाइम का ये तो सीन है, लकड़ी के अंदर पत्थर फंसाया वेपन बन गया भाई, तगड़ा वाला। ये बा तो मस्त है ब्रो यार। ओ सामने की तरफ टाइगर बना हुआ है भाई, कर लो बात यार। ओके इसके अंदर आग लगा दी हमने, लकड़ी जलेगी। ओ बेटे पैरों में लग गई आग, बुझाओ भाई। अरे इधर से भागो यार, इधर से भागो, इधर से भागो, इधर से भागो, वरना बुझेगी नहीं, ज्यादा लगेगी। ओ बेटे की मैंने आग लगा दी, इसको जलाना है। जल गई जल गई जल गई जल गई, ये भागो भाई इधर से भागो, पीछे वाले वो जला देंगे मेरे को। वैसे यूबीसॉफ्ट का एक एक बात अच्छा है जो कि इस गेम ने मैन्युफैक्चर यूबीसॉफ्ट ने किया है, तो यूबीसॉफ्ट को मैं एक चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि ग्राफिक्स यूबीसॉफ्ट के हर गेम के ग्राफिक्स है ना वो सामने भाई। टाइगर यार इधर से जाना है,
यूबीसॉफ्ट का जो भी गेम आता है उसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल होते हैं। मैं जंप कर गया, पता नहीं क्यों क्यों भाई मैं क्यों कर गया जंप, आई डोंट नो। सारी हड्डियों का चूरा हो गया होगा गिरते ही। ओके, क्या मैं सही जा रहा हूँ? नहीं, सही नहीं जा रहा यार मैं। वापिस चलते हैं, देखते ऊपर क्या है। ओके, इधर से पैरों के निशान जा रहा है जो कि इधर ही है। कोई तो है जिस उरुष की ज़मीन पे, जिसको मतलब उरुष की ज़मीन पे जाने के लिए हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि वो बोनफायर वगैरह उरुष के वेंजा के कुछ लोग जो कि उरुष पे, मतलब कैसे समझाओ यार, वेंजा और उरुष दोनों एक ही चीज़ है। उरुष उनकी ज़मीन है और वेंजा के लोग है, टकर भी वेंजा लोगों में से एक ही है ऐसा कुछ। तो वेंजा का कोई बंदा था वहाँ पे और उसने आग वाग जलाई और वहाँ से भाग गया वो आग वाग जला के, मतलब रेस्ट करने के लिए रुका था यार ऐसा। ओके, क्लूब हमें एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है जल के मारे। ओके, एरो में आ, क्या बात है, बेहतरीन यार। क्या चल रहा है भाई? भाई कहाँ जाना है? वो अच्छा सामने जाना है भाई, उसके पैरों, भाई उसका साउंड आ रहा है भाई, हूँ करके वो खा जाएगा क्या भाई? ओ बेटी ये क्या है? अरे भैंस की टांग, ये लोग मार डालेंगे भाई यहीं पे। हेल तो वैसे भी नहीं है और ये लोग भाई, इनका नमूना साला है भाई, ये क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है? अच्छा इन बेटे बच गया, तू बच गया बेटे, ये गया, इसके सीधा वन टैप पड़ा है भाई, ये भी गया। ओके, एरो खत्म भाई, रुको रुको एरो बनाने दो, एक वुड का एक एरो बनता है। ओके, एक एरो वेस्ट कर दिया भाई, ये बकवास भाई, रुकना। हाँ अभी सही जगह लगा, तीनों का देख ला लाइन से ऐसा बिछा दिया इनको, हमसे ले वे पंगा। ओके, एक एरो मिली और कुछ नहीं मिला, मीट मिला था। नहीं यार इनकी अभी भी स्किन है ना। ओके, मीट मिला, बट हमारे पास मीट ऑलरेडी फुल है यार, फोर से ज़्यादा हमारे पास मीट हो नहीं सकता। ओके, पैरों के निशान को फॉलो करते आगे की तरफ जा रहे हैं। हॉरर टाइप का नहीं लग रहा है गेम? वैसे मुझे हॉरर गेम्स ज़्यादा पसंद नहीं है, आई नो कि इतना, ऐसी बात नहीं मैं खेल नहीं सकता, बट इतना ज़्यादा वो है ना, पसंद कम है मेरे को हॉरर गेम्स, इसीलिए मैं खेलता भी नहीं हूँ। पीठ इधर ही गए वो लोग सामने सारे के सारे। ओके, इसने आग जलाई, बंदा एक ही है। ओ भाई यहाँ से जंप करना पड़ेगा क्योंकि पैरों के निशान और राइट में नीचे की तरफ दिख रहे हैं ना। ओके, थोड़ा हेल्थ मार लेते हैं और हेल्थ मार लेते हैं, बहुत है यार, एक और मार लेते हैं, चलो अभी जंप करते हैं ठीक है। ओ बैठे टकर, तू तो गया बैठे। ओके, विजन से क्लिक करके हम फूड्स देख सकते हैं, आगे गया है वो। ओके, यहाँ पे कुछ रखा है उसने शायद, या फिर फेंक दिया है। मीट मिला है, 3 मीट हमें मिल गए हैं इससे, क्या बात है, बेहतरीन यार। भाई साउंड आ रहा है बहुत गंदा, वो टाइगर यहीं पे है भाई, कसम से यहीं पे है भाई वो। भाई वो लड़की सामने गई अभी भी, बाकी वो लड़की है, फीमेल है ये, मेरे को 100% पता चल गया वो फीमेल है भाई, मैंने देख लिया उसको, पता है ना मेरी आंखें बहुत तेज है यार, तुम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो क्या पता है तुम लोगों को पता। अरे जाना किधर है भाई? हेलो, ये पता नहीं कैसी कैसी घुमा यार। ओके, सामने जाना है राइट में, नहीं शायद से लेफ्ट में, अच्छा यहाँ से ऊपर चढ़ना है, मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ पता नहीं। ओके, यहाँ से राइट में, भाई पूरा एकदम अंधेरा है ना इधर, उजाला भी आ जाएगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे चलेंगे। भाई बहुत तेज साउंड आ रहा, अंधेरे में वो आ गया ना भाई, इधर लपेट डालेगा मेरे को। कैसी कैसी घुपा यार ये, थोड़ा मैं भागना नहीं चाहता था लेकिन बैठे बैठे काम भी नहीं चलेगा भाई। ओके, उसके चिल्लाने का साउंड आया भाई आगे से, किसी और के चिल्लाने का साउंड आया पता नहीं, पानी आगे, मुझे जंप करना पड़ेगा।
फिर से जंप भाई, बेहतरीन जंप, समझ रहे हो। ओके पानी से होते हुए हमें आगे बढ़ना है शायद से, क्योंकि फूड्स पानी के अंदर अंदर जा रहे हैं। पर ये क्या है? हेलो टाइगर भैया, हेलो हेलो, यहाँ मत देखना प्लीज, आपकी बीवी कसम आपको, अगर है तो, नहीं है तो और भी बढ़िया बात है। तो कब तक फॉलो करना है? ओके वो सामने रही, वही तो है, ऊपर चढ़ गई ना, देखो। हाँ मैं सही बोल रहा था, फीमेल ही है भाई, मेरी आंखें बहुत तेज है, समझ रहे हो। बट करना क्या है भाई। ओके स्टोरी मोड, ओके भाई उसने देख लिया टाइगर आ रहा है पीछे से, टिगरी, बट वो समझ नहीं रही है शायद, ये विंजा की है या फिर मतलब बात समझना नहीं चाहती, ये इसको इसको डराने की कोशिश कर रही है भाई, टकर को डराने का कोशिश कर रहा है भाई। ओ गया बेटा, ये भी गया, बच गया भाई, अभी तक जिंदा है भाई। अगर ये काम तूने पहले किया होता ना तो तेरे सारे के सारे दोस्त भी जिंदा होते भाई। ओ बेटे बच गया भाई, कुछ भी बोलो बहुत डेंजर है, कितना लंबा भाई ये, देखने में कितना घिनौना और डरावना है भाई। ओ बेटे बच गए, कसम से बहुत गंदा बचे भाई, भाई बहुत डेंजर गेम होने वाला है भाई, कसम से बहुत डेंजर गेम होने वाला है। ओके इसको हमें फॉलो करना है, लॉर्ड ऑफ उरुस, ओके लैंड ऑफ उरुस, सॉरी ओके उरुस की जमीन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एक बड़ी सी गुफा को पार करके। ओके हंस क्यों रही है? हाँ तो वेंजा है ना ये भी ना, और रोस भी Not from Urus. Sashwalim Shalam. Takar Hasam. Saila. Tigri Chawasu. Tiye Bayamartis. Tigri. Okay, wait, मैं explain करूँगा, ठीक है? Udam Shaus. Dausam. ये लड़की मतलब literally उद्दम warriors है ना, जो इनके जो एनिमीज है, उनके कान भाई लेने के लिए उस गुफा में गई थी भाई। ये बोल रही है कि पागल है क्या, इसका नाम, लड़की का नाम सायला होने वाला है, एंड ये पूछ रही थी कि क्या तुम वेंजा हो, तो इसने बोला हाँ मैं वेंजा ही हूँ, बट मैं नहीं, मतलब मैं वेंजा नहीं हूँ, बट मैं बहुत दूर से ट्रेवल करके आया हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा था। ओके ये इसको फॉलो करने के लिए बोल रही है, इसके पास कोई शेल्टर है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके ये अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा ये। ओके इसको भाई उस शेर ने काट वाट लिया है क्या, इसे कंधे में भाई चोट वोट जैसा कुछ दिख रहा है। ओके ये हमें खाना भी दे रही है, ये बढ़िया है गुरु। ओके खाना दे दिया भाई, बताओ यार खाने के लिए, मुस्कुराहट देखो तुम हैं। ओके थोड़ा खाना लपेट लेते हैं। ओके शायद पता नहीं क्या है, बट कुछ दाने टाइप का कुछ था भाई, यहाँ पे मशरूम वगैरह बहुत सारे हैं भाई। Winja haywa guasha santamsha oros, पहले समझ लेते हैं इनकी बात, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? Tigre dansha dobu
Saquim. Aye. Walta lauba akista. Mi barra. ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों के बीच में क्या क्या बात हुई। तो टकर ने जब साइला से पूछा कि उरुस पे जो वेंजा के लोग हैं वो कहाँ पर है, तो साइला ने बताया कि जो उद्दम वॉरियर्स हैं उन्होंने वेंजा घर पे हमला किया, मतलब वेंजा के जो टाउन या फिर जो भी बोल सकते हैं विलेज वगैरह जो भी था उस पर हमला किया उद्दम वॉरियर्स ने, और इजिला वॉरियर्स ने भी शायद नाम लिया पता नहीं, उद्दम वॉरियर्स ने हमला किया और जो भी हाउसेस थे वेंजा लोगों के उनको मार के वो उन जगह छीन ली, और वेंजा के लोग अब भटक रहे हैं पहाड़ियों के अंदर, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है और बहुत सारे हैं जो कि वेंजा के लोग मारे गए। ओके हमें एक स्किल पॉइंट मिला है, ओके यही वाला ले लेते हैं जिससे हेल्थ मतलब भागते भागते या फिर कुछ चलते चलते हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसके अंदर। ओ भाई इसमें स्किल्स इतनी सारी दी हुई है ना, मतलब ये गेम में बहुत कुछ होने वाला है भाई। नहीं भाई मैं इधर से जंप नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी नहीं, ना 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 भाई, इधर से नीचे जा सकते हैं ना, जा तो नहीं सकते थे लेकिन जबरदस्ती कूद गए समझ रहे हो। ओके आगे हमें जाना है और वहाँ से हमें साइला के लिए जड़ी बूटियाँ लेके आनी है, कुछ ग्रीन लीव्स ऐसा कुछ उसने बोला था। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ कुछ कांड होने वाला है भाई। ना ना मुझे फाइट करना ही नहीं है भाई, हमारे पास एक तो ना वुड नहीं है, एक भी फोर एरो है एंड एक ये वोल्क है जो कि मारने के लिए इसका नाम वोल्क क्लोब पता नहीं क्या है जो भी है, ये सब हमारे पास है फाइट करने के लिए। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे मेरे को लग भी रहा है कि आगे की तरफ है ना एनिमीज भी लोगों को मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं। ओके वो कुछ जड़ी बूटियां बटा रही थी वो यहीं पे है, ओके तीन सामने हैं और दो इधर है, शायद से उनको पांच ही कलेक्ट करनी होगी जहाँ तक मेरे को लगता है। ओके एक शिकार कर लिया जाए क्यों ना, बैठी है तो गई एक में, भेड़ बोल सकते हैं लोग इसको है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके इधर उधर वॉरियर्स भी है सामने की तरफ, बुरा एक पता नहीं भेंडी की जैसे क्या कर रहा है यार, बताओ फट से एक ही बजाते थे। ओ पेठे की भाई इसका काम ही निपटा दिया, चीता बच्चा है छोटा लेकिन भाई क्या मार रहा है, किधर गया, उद्दम वॉरियर्स का काम तो इसी ने निपटा दिया भाई। और अरे बैठे की ये तो मार के छोड़ेगा, अरे रुक जा साले रुक रुक रुक, रुक किधर गया, एक पड़ा भाई कसम से हेल्थ है ना, हेल्थ की 12 बजा दी इसने, रुको खाने दो भाई। ओके भाग गया और एक एरो वेस्ट कर दिया यार, एरो नहीं है ना बहुत लिमिटेड एरो है तो भाई सोच समझ के चलना पड़ेगा, वुड भी नहीं है अपने पास ज़्यादा, अभी गेम की शुरुआत है ना इसीलिए ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास। ओके अभी आई थिंक वो भाग गया है, अभी नहीं आने वाला है वापिस से, और उठे फिर से आ गया तेरी साले, रुक 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 रुक, अरे आग लग गई ऊपर से, ये काट रहा है ऊपर से आग लग रही है, रुक जा यार, छे पानी में घुसने दो। ये इधर आग पेड़ में, वो अपन लोग शायद जड़ी बूटी तो ले ली होगी ना, वरना मिशन भाई बीच में अधूरा रह जाएगा। ओके उसको भी यानी स्किन कर लेते हैं साथ ही साथ, चलो शिकार भी हो गया एक, एमओ एरो दो ही है हमारे पास अभी। ओके सामने की तरफ भी है, ओके हमें शायद अभी एक ही तोड़ना है क्या, तो ये क्या है ये कुछ डिफरेंट है, हाँ ये दूसरा था ब्लू रील पता नहीं ऐसा कुछ था। ओके इधर दो तीन जगह पे एक इधर से लेते हैं, फिर कितनी तोड़नी है बताएगा रुको। ओके एक और कलेक्ट करना है हमें, फिर एक नीचे हो उद्दम वॉरियर सामने ही है भाई, उत्तम वॉरियर्स अभी अभी सामने ही भाई, अभी उनसे फाइट नहीं करेंगे क्योंकि पास हमारे पास इतने तगड़े वेपन्स नहीं है और थोड़े से ना एरो भी नहीं है,
तो अभी इनसे फाइट है ना, इग्नोर ही करते ज्यादा वेस्ट रहेगा। वरना निपटा डालू क्या, दो एरो ही तो है। चलो देख ही लेते हैं आज, कर लिया जाए। अरे एरो वेस्ट भाई, एरो वेस्ट। ये मैं सोच रहा था ना, एरो वेस्ट नहीं होना चाहिए। रुक पे, अबे वो फेंक दिया मैंने। छे भाई, भागो 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 भागो। मैं सीधा सीधा जाऊं तो आई थिंक मेरे को पकड़ लेगा, है ना। आ रहा है बेटे, पीछे से आ रहा है, लेफ्ट साइड से चले गया। या फिर सीधा सीधा ही चले, आ रहा है पीछे पीछे। उसके पास एक चीज सबसे बढ़िया है कि उसके पास बो नहीं है, वरना सुझा देता हूँ मेरी इतने में। भाई वो पीछे पीछे आ रहा होगा 100% भाई। एरो नहीं ना ये, और मैंने वो वेपन भी फेंक दिया, क्या नाम था उसका। अरे आ गया ससुरी का, रुको रुको, भागो 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 भागो, भागना पड़ेगा भाई। उधर से जाएंगे तो हो सकता है हमारा पीछा छोड़ दे, मेरे को जहाँ तक लगता है। साइला सामने की तरफ ही है, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करके जाना पड़ेगा इस साइड से। उधर से सीधा सीधा चल सकते हो, समझ रहे हो। और ये साला पीछे पीछे आया जा रहा है, कुछ तो फेंक रहा भी है वो एरो वेरो शायद कुछ। पीछा छोड़ दे मेरे को जहाँ तक लगता है, वरना साइला उधर जाने पर निपटाई देगी। वैसे भी इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं, साइला को कान पसंद है उद्यम वॉरियर्स के। ज़्यादा दूर नहीं है, ये झरना पार करना है बस उस साइड पे। आई थिंक उसने अभी पीछा छोड़ दिया अपना ना। थोड़ा रुक जाओ, इनको ना भगा भगा के मारूंगा मैं, कसम से ना। ऐसा इस जगह पे ना लकड़ियों वकड़ियों का थोड़ा इशू है, मिल ना रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो कितनी सकती, चार ही हो सकती है ना, इसीलिए। ओके ये रही जड़ी बूटियाँ, वो इसको लगाने के लिए, खाने के लिए। ओके ये कुछ साउंड स्क्रीम्स, मतलब साउंड वगैरह का कुछ बोल रही थी कि साउंड सुनाई देता है। ओके ये अपने घाव में इसको दबाने के लिए बोल रही है। बड़ा सा बाइट लग रहा है इधर। टाइगर ने भाई बड़ा सा बाइट मारा है इसको, कसम से। ऊपर ऊपर लगाने से ठीक भी नहीं होगा ना, अंदर तक लगाना पड़ेगा। पेठे की दर्द देखो भाई, पुराने टाइम पे इसका मतलब इतना दर्द होता था कि भाई ये घाव को बढ़ने। अभी तो जाओ मस्त डॉक्टर के पास, पट्टी वट्टी करवा लो यार, ऊपर ठीक हो जाता है जल्दी से। पुराने टाइम में यही सब कुछ था भाई लगाने के लिए, देख लो। ओके अभी ठीक है। साला थैंक यू बोल रही है। वुल हर्स उदम सलवा टीचर वो अन्ना विंजा वाइड Who had had us, Shwan? ओके साइला ने क्या बोला मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। उसने बोला बियर्स, वुल्फ्स और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो बाहर की तरफ होने वाले हैं, जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। और उद्यम वॉरियर्स एंड इजिला वॉरियर्स भी होने वाले हैं। इजिला वॉरियर्स का वैसे उसने बोला नहीं, बट मैंने बोल दिया, ठीक है। एंड मैंने वैसे इजिला वॉरियर्स को भी तक देखा नहीं है, लेकिन ओके हमें कहीं पर तो जाना है। आगे एक मिशन है जो कि आगे की तरफ ही है। टेंसी अंकल के पास जाना है क्या? अच्छा टेंसी द सेलमैन ऐसा कुछ नाम है, बट आप लोग टेंसी अंकल बोलेंगे इनको, ठीक है। अंकल जैसा ही लग रहा है ना वो, इसीलिए। भाई यहाँ से उतरना है क्या? ये सही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी अच्छी शुरुआत इस गेम की हुई है। एंड अभी हमको पहला मिशन मिल भी गया है। और साइला ये बोल रही थी कि ना ये केव है जो कि सेफ है, और तुम बाकी जो वेंजा के जितने भी लोगों से मिलो उनको बोलो कि यहाँ पे आके इस केव में आ जाए और यहाँ पे रहे मेरे साथ, ताकि ना ये सेफ भी हो और वेंजा का एक नया घर भी बन जाएगा इन लोगों का, समझ रहे। ओके तो अभी हम टेंसी अंकल के पास चलते एंड उनसे बात करते, उनको भी यहाँ पे भेजते थे, ठीक है।
ओके वुड मिल गया है, थोड़ा एमओ हम क्राफ्ट कर लेंगे इससे, ये काफ़ी सही होने वाला है। एंड मैं आगे ना देख के चलने वाला हूँ कसम से, बहुत ज़्यादा अगर मुझे वुड दिखाई देगी तो मैं लेने वाला हूँ भाई। लो एक तो वेस्ट भी कर दी भाई मैंने यार। अच्छी ओके हमें जो आइकन बना है सामने की तरफ मैप में हमने टिक लगाया था उसको फॉलो करना है एंड उधर ही जाना है। बीच में एक बोनफायर भी दिख रहा था मैप के अंदर, पता नहीं वो क्या है, उसको जलाना होगा ऐसा मैंने देखा था उसके अंदर ट्रेलर में। चलो उसको भी देख ही लेते हैं, सामने मिल जाएगा, थोड़ा सा हेल्थ मार लेते हैं, स्टेमिना वगैरह बढ़ जाएगा। एंड मेरे को वुड कहीं पर नहीं दिख रही यार रास्ते में, अगर वेंजा के लोग अगर कहीं पर फाइट हो गई उद्दम वॉरियर्स से तो क्या करेंगे भाई। एंड क्लूब भी अपना अभी तक बना नहीं है फिर से, वुड चाहिए होगा हमें। ओके यहाँ से पत्थर तो हमें मिल गए थोड़े से, ठीक है स्टोन्स ऐसा वो लोग बोलेंगे। ठीक है इधर से चढ़ सकते हैं क्या ऊपर? नहीं बट हमें सामने जाना है ना, उधर से चढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। इधर भी कुछ केव है क्या? नहीं केव नहीं है। हमें सामने ही जाना है सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट। अभी 400 मीटर हम लोग दूर होने वाले हैं। ओके एक और वुड सामने की तरफ मिल गई है एंड शायद वुल्फ वगैरह कुछ टाइगर वगैरह है, पता नहीं क्या है सामने की तरफ, कुछ तो है भाई घूम रहा है। मैं पंगे नहीं लेने वाला भाई अभी, टेंसी अंकल से मिलके फिर कुछ देखते हैं। वाई फिर एरो वेस्ट कर दिया। अच्छी ये मेरा पता नहीं माउस से ना ऐसा कुछ हो जा रहा है, कंट्रोल्स अभी तक सेट नहीं हुए ना, इतना ज़्यादा कंट्रोल्स के बारे में जानता नहीं ना, इसीलिए एरो वगैरह वेस्ट हो जा रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एरो वगैरह सब सेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो एरो में लगा दिए आग। इधर सामने अगर हमारा एनिमी से फाइट होगा तो आग लगी होगी ना एरो के अंदर, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके बोन फायर आ चुका है जैसे कि हम लोग बोल रहे थे रास्ते में आएगा, और बोन फायर को जलाने से है ना लोगों का फास्ट ट्रेवल अनलॉक हो जाएगा। ओके वो रहा। ओके थोड़ा सा ऊपर करके फेंकते हैं, ये गया। ओके बोन फायर जल चुका है, क्या बात है बेहतरीन लाजवाब। 400 XP भी हमें मिल चुकी है, स्किल्स पॉइंट्स भी हमें इससे मिलते रहेंगे जो कि एक बेनिफिट वाली बात है। नहीं नहीं स्किल्स भी इसके अंदर मैटर करेगी क्योंकि पुराने टाइम का गेम है ना, तो स्किल्स भी मैटर करेगी एंड पुरानी थीम पे भी है गेम पुराना होने के साथ ही साथ। वैसे एक डिफ़िकल्टी में इस गेम को काफ़ी टाइम से खेल रहा था, जैसे कि अपना रेज ऑफ द थंब राइडर पिछला गेम है उससे पहले मैं इसको खेलना चाह रहा था, बट एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे PC में विंडो 11 था एंड ये विंडो 10 में ही ओनली 4 सपोर्ट करता है समझ, पुराना गेम है तो। बट मैं इसको खेलना चाहता था तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोच के फिर विंडो 10 इंस्टॉल कर लिया। मेरा काफ़ी सारा डाटा लॉस हो गया उसके अंदर, बट कोई बात नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं था डाटा वाटा वो। अच्छा ये सब हो गया है, अब ये जलेगा, ये जलेगा। ओके इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आई डोंट नो। ये हमारे पास फूल है भाई, सब सब फूल है हमारे पास, बताओ कुछ है नहीं और फूल है बताओ, एक कैसे हो सकता है। ओके हमारा फास्ट ट्रेवल यहाँ पे अलग हो गया। मैं चाहूँगा कि ना वैसे आप लोग इस गेम के अंदर फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी जल्दी जा सकते हैं, बट उसमें हमारा लॉस होने वाला है कहीं ना कहीं कैसे, कि जो वेंजा के लोगों से हमारी फाइट होगी ना बीच में मैप में तो आप साइड मिशंस नहीं कर पाएंगे फास्ट ट्रेवल के रीज़न से। ओके टेंसी एंगल सामने राइट में ही है, चलते हैं जल्दी से फटाक से। ओके इधर कुछ था क्या यहाँ पे? यार वुड नहीं है यार, ये गलत बात नहीं है थोड़ी सी? यहाँ पे वुड होनी चाहिए थी, वुड होती तो अभी वेंजा के लोग अगर कोई मिलता है तो उससे फाइट होने में हेल्प हो जाती, बट इधर कोई है नहीं वुड यार, पता नहीं ऐसा क्यों है। इधर कुछ भी नहीं है, चलो ऊपर से ही चलते हैं ना, नीचे गिर जाएंगे भी फालतू में, कोई मतलब नहीं है। ओके ये लीव्स है पता नहीं किस काम की, लेकिन मैं इनको कलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओह आगे वेंजा के लोग है क्या? नहीं 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 उद्दम वॉरियर्स है शायद से, हाँ उद्दम वॉरियर्स 2। यार हमारे पास 2 एरोज, ये 2 एरोज में उद्दम वॉरियर्स से फायर नहीं कर पाएंगे और इस बार भागने भी नहीं देंगे ये लोग, इनके पास एरो वगैरह होगा सब कुछ। देख रहे हैं भाई देख रहे हैं, जैसे जैसे मीटर ऊपर वाला बढ़ता है ना इसका मतलब वो लोग देख रहे हैं। मैं देखता हूँ अगर उनका एम लेके अच्छे से लपेट सकता हूँ तो लपेट लूँगा, ठीक है मेरे को नहीं लगता मैं उनको लपेट पाऊँगा, साइड से निकल जाते हैं ना। देख रहा है देख रहा है देख रहा है,
देख रहा है, देख रहा है, मत देखना मत देखना मत देखना मत देखना, बच गया भाई बच गया। नीचे से थोड़ा ना, नीचे से निकल जाते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इनसे फाइट करेंगे आप लोग, ठीक है? तुम लोग सोच रहे हो कि भाई पूरा गेम ऐसे निकलने वाला, ना यार ऐसा नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, देखना मत देखना मत, प्लीज मत देखना भाई। इनसे फाइट करेंगे बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं इतना खास। एक वेपन था वो भी हमने लॉस कर दिया, और वो है इसके अंदर टू एरोज है, और ये बंदे तो वैसे टू ही है बट एक अगर एक भी एरो मिस हुआ ना तो ये फाड़ देगा अपनी भाई। ओके शायद इस मतलब इनका पता है, इधर थर्ड पार्ट मतलब थ्री पार्टीज है टोटल, कहने का मतलब है इजीला वॉरियर्स, उद्दम वॉरियर्स और वेंजा, ठीक है? तीनों के बीच में एक दूसरे के बीच में टक्कर चलती रहती है, समझो। ऐसा भी नहीं कि इजीला वॉरियर्स और जो उद्दम वॉरियर्स है वो एक दूसरे के फ्रेंड है, ऐसा भी नहीं है। उद्दम वॉरियर्स ने वेंजा लोगों के घर को छुड़ा दिया, मतलब मारपीट के काट के मार दिया और ऐसा कुछ, और अभी शायद इजीला वॉरियर्स इनके ऊपर अटैक करेंगे या फिर ऐसा कुछ है। भाई इधर बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं भाई, देख रहे हो? शिकार कर लूँगा एक आध का, एरो नहीं है यार, वेस्ट ना करने वाला मैं एक भी एरो। एनसी अंकल का आ गई है हाउस वगैरह यहाँ पे। ओके ये पत्थर है क्या? नहीं कलेक्ट नहीं कर पा रहा है पुलिस, पता नहीं क्यों। ओके अंदर भेड़े आगे भागे, चलो छोड़ो यार, टेंसी अंकल के पास चलते हैं, मिशन करते हैं। क्या मिशन है, टेंसी अंकल क्या बोलते हैं देखते हैं। चलो के ये केव थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही टेंसी अंकल की, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक। और वैसे ये टाइगर वाली से तो अच्छी है बट फिर भी इसमें कुछ कुछ दिख रहा है ना, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था भाई। साउंड आ रहा है बहुत ही गंदा वाला। ओके स्टोरी मोड स्टार्ट हो चुका है, टेंसी अंकल सामने ही है। ओ बेटे बेटे ऐसा मत करो टेंसी का, लंबे टाइम बाद में, लंबे टाइम बाद में ऐसा कुछ बोल रहा है। क्वाइटा वाल्शनर वाल्शनर वुल्फमैन एम टेंसी। ओके बोल रहे हैं कि मैं टेंसी हूँ और तुम वुल्फमैन हो, या फिर खुद वुल्फमैन बोल रहा है ऐसा कुछ। ओके भाई चूहा, अरे छी यार ये क्या है भाई, इसे YouTube वाले डीमोनेटाइज ना कर दे यार, इस बात का थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। छे छोट छोट फैट फैट ऐसा बोल रहा है एंड ओके हाथ मांग रहा है यार। ऐसे तो किसी के घर वाले शादी के लिए भी मांगते जैसे टेंशन कर मांग रहे हैं, बताओ। ओके पता नहीं कुछ बना रहा है सूप जैसा भाई, पता नहीं इसको सूप बोलेंगे ना यार, मैं तो ना बोलने वाला कसम से। और ये वुल्फ की खोपड़ी के अंदर है भाई, पता नहीं खोपड़ी वुल्फ की है फिर इंसान की, बट है जरूर भाई। ओके इसको नाम भी पता है अपना भाई, टकर टकर कुछ बोलता ही नहीं है लेकिन इसको नाम पता है टकर का भाई, बताओ यार। ओके चक्कर आ रहा भाई टकर को। ये थोड़ा अलग नहीं था, टेंसी अंकल ने धोखा तो नहीं कर दिया कहीं अपने साथ, पता चला टेंसी अंकल धोखेबाज निकले यार। विजन ऑफ बीस्ट फाइंड द गार्ड। ओके इधर से तो हम आए बाहर टेंसी अंकल की झोपड़ी से, ऐसा कुछ है क्या? ये इतने सारे जानवर है बट इधर ये एनिमीज एनिमल्स है लेकिन इतने चमक रहे हैं। द बीस्ट इज नॉट बाय फेयर मी, नज़दीक नहीं है इसीलिए हमें दूर जाना पड़ेगा ऐसा कुछ। ओके ये लोग हमारे ऊपर अटैक वगैरह नहीं कर रहे। ओके हमें शायद इस पाउल के पास जाना है क्या? ओके तो अभी मेरे को समझ में आ रहा है टेंसी अंकल क्या बोल रहे थे। टेंसी अंकल बोल रहे थे तुम एक बीस्ट मास्टर हो ऐसा कुछ कर, तो वो लोग वो टेंसी अंकल अब उनको सिखाएंगे कि कैसे बीस्ट बीस्ट कुछ करना है, पता नहीं। ओ भाई टक्कर उड़ने भी लग गया, ये तो थोड़ा अच्छा है। मैं देखा टक्कर गिर रहा है लेकिन नहीं टक्कर उड़ रहा है भाई, समझ रहे हो? मतलब इंसान उड़ने भी लगे, अगर आपको नहीं पता था तो आप देख लो भाई इंसान उड़ता भी है। ओके नीरन नीचे हिरन भाग रहा है, ऊपर टकर और उसके आगे आउल, समझ रहे हो? पानी के अंदर भी उड़ रहा है, वाह क्या बात है क्या बात है, बेहतरीन। मतलब यूबीसॉफ्ट, मतलब वैसे तो यूबीसॉफ्ट के गेम अच्छे होते हैं, जल्दी जल्दी यूबीसॉफ्ट गेम बना देते हैं बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इस गेम में यूबीसॉफ्ट ने थोड़ा नशे तो नहीं किए थे।
ये मतलब थोड़ा सा रियलिटी से हटके तो ही बना दिया। वो बेटे पानी के अंदर, अभी तैरना है हमको, अभी अभी उड़ नहीं रहा टक्कर, अभी अभी तैरना है टक्कर को, बताओ। टक्कर बोलेगा क्या मजाक चल रहा है भाई, ये लोग इधर से बाहर नहीं निकल सकते, किधर से निकले के भाई। ओके इधर जाना है हमको, वो बेटा सामने ओल फिर भाग गया। अरे रुक जा यार, ऐसा मत कर, भागम भूगी मत खेल हमारे साथ। ओके इसमें स्पीड से भाग भी नहीं सकते, धीरे धीरे चलना होगा हमें। बाय द वे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गेम के ग्राफिक्स काफ़ी तकड़े हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। आप सभी को क्या लग रहा है मेरे को बताना जरूर से कमेंट में। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं FPS भी साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे नीचे कोने में शो कर दूंगा, बट मैंने फिलहाल इसलिए शो नहीं कर रखा क्योंकि मेरे को लगा ज़रूरत नहीं है, वरना ये गेम मेरे को FPS दे रहा था 150 के अबाउ ही दे रहा था, नीचे नहीं था 150 के, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है बट 150 FPS तो दे ही रहा था। ओके उड़ रहा है फिर से भाई, बताओ कर लो बात। टकर को भाई बीस मास्टर बना के छोड़े गए लोग। आई मीन बीस मास्टर का मतलब होता है जानवरों का किंग, ऐसा कुछ, आई मीन एनिमीज का किंग, एनिमल्स का किंग ऐसा कुछ होता होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। टेंसी अंकल का तो कहने का मतलब यही था, बीस मास्टर तुम आ गए। बीस्ट का तो मतलब होता है एनिमीज और मास्टर का मतलब राजा या किंग जो भी, समझ सकते। भयंकर हो गया सामने भाई, उसके अंदर कौवे भाई, मतलब ये क्या, ये क्या है भाई, ये क्या है, गिर रहा है क्या भाई टक्कर। नहीं आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ना फेस कैम शुरुआत में आपने फेस कैम क्यों नहीं किया पूरे गेम में, मैंने किया था फेस कैम समझ रहे हो, पर साथ ही साथ रिकॉर्ड मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में किया था, मैंने एडिट करते टाइम पे उसको हटा दिया क्योंकि मेरे को लगा ना लाइक ऐसा होगा कि ना गेम के साइड में थोड़ा सा ना फेस दिखेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब गेम प्ले की फ्रेम बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने पूरे फ्रेम में ना फेस नहीं दिखाया, बस साउंड ओनली फॉर एडिट करके डाल दिया। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फेस कैम के साथ भी कर सकता हूँ पूरा वीडियो, बट मेरे को जहाँ तक लगा कि ना गेम प्ले थोड़ा बिगड़ जाएगा फेस के रीज़न से, साइड में अगर फेस दिखाई देगा लाइक तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने फेस को हटा दिया। ओके बीस्ट मास्टर बन गया क्या, ओ बेटे नाउ बी माई आईज इन द स्काई। ओके तुम देख रहे हो इसकी आंखें देख रहे हो भाई, अगर बोल रहे आसमान में तुम मेरी आंखें हो गई, वैसा कुछ विजन ऑफ द बीस्ट। ओके हमने एक बीस्ट को मतलब हमारे अभी अभी है एक बीस्ट जो कि हमारे कंट्रोल में, जो कि आउल है ऐसा कुछ। आई नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने गेम्स स्टोरी लाइक गेम्स अभी से खेलना स्टार्ट किया ना, इसीलिए स्टोरी गेम्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। ओके इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है ये मेरे को पता है, थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Guarpati faran habandata kubalsan guar habanda magata ulaukawal waida walkwaswang haiwa si bargwa shayu tushida hamagata। ओके तो टेंसी अंकल के कहने का मतलब मेरे को समझ में आ गया है, जॉइन मी वेंजा गेदर इन द वेस्ट तिलाओ का सक्वाम मूसानु जाउस्मान। ओके मेरे को है ना टेंसी अंकल की पूरी बातें समझ में आ गई, चलो टेंसी अंकल का काम हो गया, अभी आप लोग चलते हैं। टेंसी अंकल ने एक मिशन दिया है उनको, वो करते हुए बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे टकर सपने से बाहर आया तो टेंसी अंकल बोल रहे हैं नहीं ये कोई सपना नहीं था, ये सच था, तुम एक बीस्ट मास्टर हो और अभी तुम्हारे पास एक ओवल है जिसको तुमने कंट्रोल किया है अभी भी, और तुम एक उसके मतलब मालिक बन चुके हो एक तरीके से ऐसा कुछ, तो तुम हर एक बीस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। टेंसी अंकल का कहने का यही मतलब था, आई डोंट नो हम लोग सबको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके हमारा आउल आ चुका है, जेड पे क्लिक करते ही समझ रहे हो। ओके जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएगा, क्या बात है यार, मतलब मस्त। ऊपर से व्यू देखो भाई तुम एक बार है ना, मैप का व्यू देखो और क्वालिटी देखो भाई, ग्राफिक्स मतलब नेक्स्ट लेवल, टेक्सचर्स नेक्स्ट लेवल, डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल।
वो इससे हमला भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास शायद से अनलॉक नहीं है कुछ भी। ओके वार्निंग यू आर टू द फ्रॉम यू। ओके हम दूर जा रहे हैं टक्कर से इसीलिए। ओके चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, इधर कुछ कलेक्ट कर लेते हैं ना। चलो अरे वुड कलेक्ट क्यों नहीं हो रही है, आई डोंट नो। ओके वैसे एक बैड न्यूज़ है कि थोड़ा सा मेरा गेम क्रैश हो गया था, ऐसा अक्सर होता नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा ना ऐसे कुछ हुआ, बट उससे ना गेम क्रैश मार गया, जिससे अपन लोगों को लास्ट बैक पॉइंट पे भेज दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आगे का गेम प्ले नहीं देखना पड़ेगा, वो मैंने फिर से रिपीट मार दिया। आप लोगों को टेंसी अंकल का जो मिशन टेंसी अंकल ने अपन लोगों को दिया था वो कंप्लीट करने के लिए चलते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा वुड देख लेता हूँ यार, वुड अपन को कहीं पर नहीं मिल रही, ऐसा क्यों यार? मैं क्या है ना दो एरो से पूरी ज़िंदगी खेलने वाला हूँ क्या? चलो सामने चलते हैं। वैसे टेंसी रीस्पॉन होने के कारण से ना हमें एक बेनिफिट मिल गया है कि हमें पास चार एरो है एंड एक जो क्लूब है वो भी है, जो कि एक वेपन है। ओके सामने चलते हैं, यहाँ पे टेंसी अंकल का मिशन होने वाला है। टेंसी अंकल का मिशन था कि वाइट वुल्फ है जिसको अभी तुम्हें कंट्रोल करना है या फिर टीम करना है, टीएम करना है, ठीक है? तो सामने ही वाइट वुल्फ होने वाला है कहीं पर, तो जहाँ पे मैंने टिक मारा है अभी उसको जाके टीम करते हैं एंड उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। फिर वाइट वुल्फ अपना मतलब कहना मानेगा, इसके ऊपर हमला कर वो करेगा। समझ रहे हो? ओके यहाँ से निकलते हैं। ओके वेपन्स हमारे पास काफ़ी सारे होने वाले हैं, वेपन्स की कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है। ओके वुल्फ सामने ही है भाई, नहीं इधर तो कुछ हो रहे हैं। ओके ई टू एक्सेप्ट बीस्ट मास्टर। ओके ओल को बुलाना है एंड उससे देखना है एनिमीज आसपास में है या नहीं और उनके ऊपर अटैक करना है। बट अभी वी का क्लिक करके हम अच्छा ओल पे भी वी का क्लिक करके विजन ऑन करके देख सकते हैं कौन एनिमीज है एंड कौन फ्रेंड है वाला है, समझ रहे हो? ओके ठीक है मैं समझ गया। वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है ना ये गेम में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल वाला। ओके ओल को बुलाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके सामने एनिमीज लग रहा है मेरे को। किल द उद्दम वुल्फ हंटर्स। ओके ये वुल्फ हंटर्स है जो कि वुल्फ का शिकार करते हैं, इनको हमें मारना है, ठीक है? बट क्या ओल मार पाएगा? नहीं यार ओल के पास कोई वेपन भी नहीं है ना, अभी अपग्रेडेड नहीं है हमारा, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे ना उसके बाद हट जाएगा। इनके सर पे राउंड मार रहा हूँ मैं। चलो इनके ऊपर कर सकते हैं क्या अटैक? नहीं हो रहा यार, मतलब हमारा इससे नीचे नहीं हो रहा है। चलो हम लोग भी मार देते हैं, हमारे पास फोर एरो है, थ्री एनिमीज है, समझ रहे हैं? एकदम शिद्दत से मारेंगे इस, मतलब ऐसे प्यार से, ऐसे पता ही नहीं चले उनको, ऐसा धीरे धीरे चलेंगे क्राउच करते हुए पास में और एकदम शांति से मारेंगे, किसी को पता ना चले ऐसा। अरे नाना नाना देख मत, झाड़ियों के अंदर एक बार झाड़ियों के अंदर गए ना फिर उनका शक धीरे धीरे कम होने लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब पास में नहीं चलते हैं। अरे रुक 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 रुक, जैसे जैसे मैं झाड़ियों के अंदर जाता हूँ वैसे ही उनका शक दूर हो जाता है एंड जैसे झाड़ियों से बाहर आता हूँ उनको लगता है वहाँ पे कोई है तो देखने लगता है। ये है जो कि शिकार करते हैं वाइट वुल्फ का। रुक बेटे रुक, तू रुक तू रुक, नहीं तू रुक तू रुक, नहीं नहीं चल निकाल, शिकार करेगा तू, शिकार करेगा है, शिकार करेगा। एक और है, एक और है, मर जा मर जा मर जा मर जा। ना 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 एरो वेस्ट नहीं करने वाला बिल्कुल, इसको पता नहीं है अभी अपन लोग कहाँ पे है। रुको ये ऊपर चढ़ के देखने जा रहा है कि ना को मैं कहाँ से इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। अभी और ऊपर चढ़ रहा है, अभी जब ये ऊपर चढ़ेगा तब मारूंगा, वहां से ऊपर से नीचे गिरेगा तो मर जाएगा वैसे भी। रुको ये बजाया फट से, देखा टेक्निक, अगर एक एरो से हेड पे नहीं पड़ती है ना तो कभी कभी मरता नहीं है, तो उससे क्या होगा अगर ऊपर से गिरेगा तो वैसे ही मर ही जाएगा। ओके क्राफ्ट कर सकते हैं अपन लोग जिससे उसको लेस मीट। ओके हमें एक नया चीज मिल गया जिससे हम लोग, ओके एक वुल्फ जो कि थोड़ा घायल है उधर गया है उसको टीएम करना है हमें, ठीक है? फिर वो भी अपन लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं क्या सीन है। उसके ब्लड इधर ही गिरा हुआ है तो वो इधर ही गया होगा सामने भाग करके भाई। शांति हो रहा ना वाइट वुल्फ सामने, क्या बात है यार, मतलब वाइट वुल्फ मजा आ जाएगा भाई इसको टीम कर लिया तो।
अगर इसे ने देख लिया ना तो अपन को टीएम कर देगा भाई, कसम से, ये देख लेना। ओके मेरे को समझ में आ गया सब कुछ। यार इतना भी ना समझाओ टेंसी अंकल, सब पता है हमें। ओके माउस का बीच वाला बटन प्रेस करना है एंड फेंकना है उसके सामने वो मीट का जो भी बनाया हमने कुछ क्यूब वगैरह, फिर वो उसको खाने लगेगा, फिर हम लोग टीएम कर लेंगे। ऐसा कुछ है इधर पे बताया था उसने। देख रहे हो आवाज कैसे मारा वो करके, पास से देखना चाहता हूँ मैं इसको, बट मैं सोच रहा हूँ अगर पास में गए तो इसने लपेट लिया तो। थोड़ा सा और देखें क्या? अरे आ रहा है, मताना 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 भाई मताना, प्लीज आ गया भाई, ये मारेगा, रुक 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 रुक, देखते हैं। नहीं मार रहा, नहीं मार रहा, नहीं मार रहा, वुल्फ हेबिट मार नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। देख रहे हो भाई, मार नहीं रहा है भाई, ये अच्छी बात है। ओके ये हमें फेंकना है बट इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो, एरो वेस्ट कर दिया, एक ही तो एरो था। ओके अभी फेंक सकता हूँ भाई, इधर फेंकता हूँ, रुको नहीं जाएगा। ओके अभी हम लोग टीएम कर सकते हैं इसको, ई प्रेस करके टीएम करना है। शांत हो जा, शांत हो जा, ओ बेटे की टीएम कर लिया, ये सही था भाई, मस्त सीन हो गया यार, सही है, सब सही है, मस्त। अभी ये हमारा कहना मानेगा, जो भी हम इसको बोलेंगे वो करेगा। ओके आप लोग इससे हमला वमला भी करवा सकते हैं किसी भी एनिमी के ऊपर, समझ रहे हो। आ मेरे बेटे, ये चलो चलो बेटा, हो गया आप बहुत है, नहीं चलो चलो यहाँ से चलो। ये क्या कर रहा है, ऐसे काम करेगा आपको है, देख रहे हो ऊपर टांग करके, समझ रहे हो। इधर चलते हैं, इधर एक और मिशन दे रखा है, क्या है पता नहीं। इधर पे मेन मिशंस पे हम लोग ध्यान देंगे, साइड मिशन अगर हमारे पास कोई आएगा तो मैं उस पर ध्यान नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि साइड मिशन अगर खेलेंगे तो गेम बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके किल द उद्दम, ओके उद्दम वॉरियर्स को किल करना है। ओके हमने कमांड दे दिए, उसको बोला है वुल्फ को कि उधर जाके मारेगा वो उसको, आप लोग विजन से देखते रहेंगे। ओके इसने उसको लपेट दिया भाई, उसको लपेट भी दिया, हमारे पास एरो नहीं है, इसको लपेट डाल, इसको भी लपेट दे, दोनों को लपेट दे, लपेट दिया भाई, लपेट दिया, हो गया भाई, हो गया, इन दोनों का काम हो गया। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है गेम प्ले मेरे को जरूर से बताना कमेंट करके। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आगे आप लोग और भी होने वाला है बहुत सारा, ये देखो भाई, मतलब आगे क्या भाई, ये देखो तुम लोग कितने सारे बीस्ट है जिनको आप लोग करने वाले हैं, कम नहीं है भाई, मतलब कहने का मतलब है भाई बहुत सारे है, 17 ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप लोग कंट्रोल करने वाले हैं, काफी एपिक गेम प्ले होने वाला है, लेट्स गो। अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना, एंड न्यू गेम प्ले वीडियो जल्दी आएगा, और जल्दी से इस पे लाइक कर दो, कंप्लीट कितने लाइक करोगे, जितना आपको अच्छा लगे उतना कर दो, एंड शेयर जरूर से कर देना, शेयर बहुत सारे कर देना, ताकि आपके भाई के थोड़ी सी रीच पड़े वीडियो की एंड व्यूज आए तकड़े से। लेट्स गो, बाय बाय।